ओके बच्चों, चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सेल, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सेल जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छा, तो बच्चों हम पूरा नीट के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ेंगे। आप के लिए एक बात मैं बता दूं, एक टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। तो ये जो सेल बायोलॉजी टॉपिक है उसके अंदर सेल चैप्टर नंबर 8 एंड दूसरा है सेल डिवीज़न जो कि है चैप्टर नंबर 10, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में आता है। और ये दोनों चैप्टर में से नियरली 4 से 6 एमसीक्यूस नीट में पूछे जाते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, ये जो चैप्टर है इसमें से 2 या फिर 3 एमसीक्यूज़ जो है जो कि नीट में ये चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अभी हम ये चैप्टर जो पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड के लिए एंड नीट दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सेल। तो बच्चों अगर मैं सेल का डेफिनेशन दूँ तो सेल क्या है, तो वी कैन से इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट है किसका, यूनिट ऑफ लाइफ और वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम जो सेल की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ कंप्लीट सेल। ये जो हम सेल की बात कर रहे हैं ये कैसा सेल होना चाहिए, ये जो है कंप्लीट सेल। तो कंप्लीट सेल उसके सर्टेन क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरिया क्या है, अ सेल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, अ सेल जो कि फंक्शनल होना ज़रूरी है, जिसके अंदर फंक्शंस होने चाहिए, जस्ट लाइक मेटाबॉलिज्म है, इनहेरिटेंस है और अदर फंक्शंस लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो कि फंक्शनल है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेल। फंक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे खास करके बच्चों मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है एंड इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है। तो इनहेरिटेंस भी यहाँ पे पाया जाता है एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। एंड फॉर इनहेरिटेंस ये जो सेल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कोई सेल है जिसके अंदर ये सारी जो क्राइटेरिया है फुलफिल होती है, सच टाइप ऑफ सेल्स जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग सेल एंड इट इज़ अ कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, नाउ तो आगे हम बात करते हैं जो आपको खास याद रखना है। तो बच्चों एनसीईआरटी में एक सेंटेंस है जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योरिंग और एंश्योर एन इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। ये जो सेंटेंस है एनसीईआरटी की लाइन है, राइट। तो एनीथिंग लेस देन, ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, मतलब कंप्लीट सेल इज़ रिक्विसाइट। और ये एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कम से कम एक सेल होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट सेल। चलो ठीक है, नहीं तो हम उसको इंडिपेंडेंट
ऑर्गेनिज्म एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर पाएंगे। नाउ अभी आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात की लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो देखो बच्चों, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल दो टाइप के पाए जाते हैं। कौन से दो टाइप के हैं? एक जिसको मैं बोलूँगा दे आर यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा जो कि है मल्टी सेल्युलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक जो है यूनिसेल्युलर और दूसरे जो है मल्टी सेल्युलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे यूनिसेल्युलर है तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी बैक्टीरिया है। जैसे बच्चों प्रोटोजोन्स की अपने बात करें तो प्रोटोजोन्स है जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि भाई लॉट्स ऑफ जैसे अमीबा है, पैरामूशियम है, तो ये सारे प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जो ग्रुप है उसके अंदर ही ये सारे प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स में बात करूँ तो डायनोफ्लैजेलेट्स है, राइट, देन डायटम्स है। तो दीज आर बेसिकली ये सब क्या है, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं, जैसे मल्टी सेलुलर है, जैसे एल्गी है, तो एल्गी मल्टी सेलुलर एल्गी, सर्टेन एल्गीज जो कि यूनिसेलुलर भी पाई जाती है, ब्रायोफाइट है बच्चों, ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, तो एक्चुअली ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये सब आपने नाम सुना होगा। आप जिम्नोस्पर्म्स ले सकते हो, एंजियोस्पर्म्स ले सकते हो, तो ये सब बेसिकली एक्चुअली ये सब एल्गी से लेके पूरा एंजियोस्पर्म, ये जो है पूरा प्लांट ग्रुप है, मतलब प्लांट्स जो कि मल्टी सेलुलर है, एंड सेम वे दी एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो नंबर के हिसाब से हम ले लें यहाँ पे, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, अच्छा नाउ अभी देखो बच्चों, हमने एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। नाउ अभी मैं एक डेफिनेशन वापस ले लेता हूँ कि भाई व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो वी कैन से सेल इट्स अ फंडामेंटल यूनिट है, एज वेल एज अपने बोल सकते हैं इट्स अ फंक्शनल एंड इट्स अ स्ट्रक्चरल जो यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे सेल। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है जो है डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो देखो बच्चों, आपको याद रखना है इन 1665, ठीक है ना, अ साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक नाम का ये जो साइंटिस्ट है, इन 1665 विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से ये साइंटिस्ट ने क्या किया, ही ऑब्जर्व सम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अ बार्क ऑफ अ प्लांट। तो एक प्लांट जिसकी बार्क, उसका उसने लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन लिया, एंड वही सेक्शन में
जो कि उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ऐसा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, राइट, लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर वो साइंटिस्ट ने देखा. एंड दैट साइंटिस्ट हु नेम्ड द स्पेस फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर, उसने ये स्पेस को नाम दे दिया सेला. सेला जो कि ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग होना है सेल. और उसके सराउंड में ये जो बाउंड्री है जिसको हमने बोल दिया है, जिसने उसने नाम दे दिया है सेल वॉल. ठीक है. सो बेसिकली ये जो जो स्पेस है बच्चों, बेसिकली दैट स्पेस, राइट, जिसको सेल्यूला और अ सेला और अ सेल जिसको हम कंसीडर करते हैं, एंड स्पेस के सराउंड में जो बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल, ये आपको याद रखना है. अच्छा, तो ये 1665 में ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया. यहाँ पे जो प्लांट था, ये प्लांट जो उसने लिया था उसका नाम क्या है, इट्स अ क्विकस सुबर, क्विकस सुबर नाम का प्लांट है, इसको ऑक प्लांट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये ऑक प्लांट का जो बार्क है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर ये साइंटिस्ट ने देखा और उसने नाम दे दिया सेला. चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो बच्चों ये याद रखें. अच्छा बच्चों, अभी ये जो साइंटिस्ट था उसने जो कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, राइट, उसने पूरा ये जो सेल का एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये साइंटिस्ट की एक बुक है रॉबर्ट हुक की, और वो जो बुक है उसका नाम है इट्स अ माइक्रोग्राफिया. तो माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक है, जो रॉबर्ट हुक की बुक है, जिसके अंदर सेल का पूरा एक्सप्लेनेशन ये साइंटिस्ट ने दिया है. तो यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों के दो MCQs और दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. कौन से दो क्वेश्चंस हैं? एक जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड सेल. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ये जो सेल जो डिस्कवर किया था वो, जो कि बच्चों डेथ था, तो हम इसको बोलेंगे डेड सेल, जो कि फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया, एंड आंसर इज बाय रॉबर्ट हुक. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड सेल वॉल. तो सेल वॉल किसने डिस्कवर किया, तो उसका आंसर आएगा बच्चों सेम, रॉबर्ट हुक. थर्ड, अ नेम ऑफ बुक गिवन बाय रॉबर्ट हुक. तो वो बुक का नाम क्या है, तो उसका नाम है माइक्रोग्राफिया. ठीक है, माइक्रोग्राफिया नाम का ये बुक है. चलो ठीक है, तो यहाँ हमने जो है बच्चों इंट्रोडक्शन लिया व्हाट इज सेल. नाउ अभी हम आगे जाएंगे.